सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सलमान खान सहित कई हस्तियों ने नागरिकों को भारतीय तटों और द्वीपों पर पर्यटन के लिए जाने का सुझाव देते हुए अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले मालदीव के मंत्रियों को कड़ा जवाब। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय पर्यटन स्थलों का समर्थन किया। अक्षय कुमार ने कहा, आश्चर्य है कि मालदीव को भारत सबसे ज्यादा पर्यटक देता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति भले हैं, लेकिन ऐसी बेवजह की नफरत क्यों सहन करें? सम्मान सबसे पहले है, इसलिए भारतीय द्वीपों का पर्यटन करें, अपने पर्यटन को प्रोत्साहन दें। वहीं सलमान खान ने लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को यादगार अनुभव बताया और कहा कि ये शानदार जगह हमारे भारत में ही है। कंगना रनौत ने कहा, लक्षद्वीप में 98% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। अगर किसी को यहाँ बदबू आती है तो वह नस्लवादी और कम जानकारी रखने वाला नेता है। कार्तिक आर्यन और जॉन अब्राहम ने भी लक्षद्वीप को भारत में स्वर्ग जैसी जगह बताया और कहा वे जल्द यहाँ आना चाहेंगे। श्रद्धा कपूर ने कहा कि लक्षद्वीप की तस्वीरें देखकर लग रहा है कहीं इस आनंद को पानी में पीछे न छूट जाऊं। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भारत के लिए कही जा रही बातें दुखद है, अगली छुट्टियां लक्षद्वीप में मनाऊंगा। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 50वें जन्मदिन पर सिद्धू दुर्ग में बताए समय का वीडियो पोस्ट कर कहा कि इस तटीय शहर में वह सब है जो हमें चाहिए। यहां मिले शानदार नजारे और आतिथ्य ने उन्हें यादों के खजाने दिए हैं। भारत को सुंदर तटरेखा और स्वच्छ द्वीपों का खजाना मिला हुआ है। मालदीव के ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटरों के संगठन ने अपने देश के मंत्री व नेताओं की झूठ की पोल खोल दी है। संगठन ने कहा कि लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने का मालदीव के पर्यटन उद्योग पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, बल्कि वे एक दूसरे के लिए पूरक बनकर पूरे क्षेत्र में ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। ज्यादा क्रूज लाइनर भी इनके बीच चलाए जा सकते हैं। संगठन ने कहा कि भारत को लेकर की जा रही नकारात्मक टिप्पणियों के बीच हम जोर देंगे कि सभी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से हमें अपने संबंध मजबूत रखने चाहिए, नफरती टिप्पणियों से दूर रहना चाहिए और इस क्षेत्र में एकता और सहयोग बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। मटाटो ने साफ किया कि भारतीय बाजार मालदीव के पर्यटन क्षेत्र के लिए केंद्रीय भूमिका रखता है। मालदीव के गेस्ट हाउस से लेकर छोटे उद्योग तक भारतीय पर्यटकों पर निर्भर हैं।